अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैड 2015 में लेसन नंबर 31। आज के इस लेसन में हम देखेंगे अरेज कमांड क्या होती है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आप अरेज किस तरह करते हैं, फिर डिलीट किस तरह करते हैं और इसके लिए कौन कौन सी कमांड यूज़ होती हैं। तो इसके लिए मैं आटो कैड को ओपन करूँगा। तो स्टूडेंट्स, अरेज कमांड जो है आज हम मॉडिफाई टूल बार के ऊपर डिस्कस करते हैं। मॉडिफाई टूल बार में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और अरेज कमांड क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडिफाई के ऊपर डिस्कस करेंगे। मॉडिफाई में कौन कौन सी कमांड यूज़ होती हैं और हमने ड्रॉ भी कर चुके हैं हम टेक्स्ट और लेडर्स वगैरह, ये हमारे पास ये हमने नहीं किया ये इंशाल्लाह, बल्कि ये भी हम कर चुके हैं लेडर और ये सारे काम कर चुके हैं। लेयर्स अभी तक हमने नहीं की, लेयर्स पर हम काम करना सीखेंगे। इंसर्ट ब्लॉक्स भी हम कर चुके हैं, प्रॉपर्टी भी कर चुके हैं, ग्रुप नहीं किया और मैयर भी कर चुके हैं, क्लिप बोर्ड और ये सारे काम हम कर चुके हैं। सिर्फ हमारे पास अभी लेयर्स और मॉडिफाइड रहती हैं। तो मॉडिफाइड टूल बार के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो मॉडिफाई के लिए आप मॉडिफाइड टू हमारे पास यहाँ पे देखें, रिबन्स भी है हमारे पास मॉडिफाई का और उसके अलावा आप यहाँ पे जाएँ तो आपके पास मॉडिफाई मेन्यू बार भी आ रही है। और मॉडिफाई में हमने क्या क्या काम करना है, अरेज करना है, कॉपी, मिरर, ऑफसेट, एरे, डिलीट, मूव, रोटेट, स्केल, स्केच, लेंथ एंड ट्रिम्स, ये सारी कमांड्स हम करेंगे। तो जब हम ये सारी कमांड्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद आपको हम प्रैक्टिकली वर्क पे आ जाएंगे और आपको एक प्रैक्टिकली काम करना आ जाएगा और प्रैक्टिकली काम आप आसानी से करना सीख जाएंगे। तो ये था, आपने इससे पहले जितना भी काम किया वो ड्रॉ के ऊपर काम किया, लाइन क्या होती है, पोल लाइन क्या होती है, ड्रॉ का लाइन का स्टाइल क्या कैसे चेंज होता है और ड्रॉ के आपने फॉर्मेटिंग की, इसमें मॉडिफिकेशन की। तो आज से हम मॉडिफाई टूल बार के ऊपर डिस्कस करेंगे मॉडिफाई क्या होता है और उसमें किस तरह काम किया जाता है। तो मॉडिफाई में सबसे पहले आपको यहाँ पे अरेज कमांड नज़र आ रही होगी और मूव वगैरह भी नज़र आ रही होगी। हम एक एक कमांड को अपने लेसन के हिसाब से चलेंगे। तो आज हम अरेज टूल बार के ऊपर डिस्कस करते हैं, अरेज बार क्या होती है और अरेज का फंक्शन क्या होता है। अरेज की शॉर्ट कमांड होती है ई एंटर और यही अरेज आपको सिर्फ और सिर्फ अरेज आपको यहाँ पे जो है तो मॉडिफाई बार में ही नज़र आ रहा होगा, ये आपका अरेज कमांड है। तो हम इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आर ई सी रेक्टेंगल भी बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल बनाया, इसको अरेज करने का एक तरीका तो हम यह करते हैं कि हम यहाँ से जिसको सेलेक्ट किया और यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट कर दें, हमारे पास अरेज हो जाएगा ऑब्जेक्ट, देख सकते हैं। और इरेज दूसरा तरीका क्या है हमारे पास इरेज करने का किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैं फॉर एग्जांपल आर ई सी एंटर करता हूँ, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, ई एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने और राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारे पास अरेज हो जाएगा। ई एंटर करने से भी अरेज हो जाता है और उसके अलावा आप यहाँ से इसको अरेज कर सकते हैं। सी एंटर, एक सर्कल लिया, सर्कल लिया, सर्कल लिया। अब यहां से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सारा सिलेक्ट हो जाएगा, जबकि मैं इस एरिया से जब इसको सिलेक्ट करता हूँ देख सकते हैं यहां से सिलेक्ट नहीं हो रहा, यहां से मैं सिलेक्ट करता हूँ यहां सिलेक्ट हो गया। मेरे सिर्फ ये वाला सर्कल सिलेक्ट करना है तो मैं यहां से सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये दो सर्कल सिलेक्ट हो रहे हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो ये सर्कल सिलेक्ट हो रहा है और मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये दोनों सर्कल सिलेक्ट हो रहे हैं, तीनों सर्कल सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अरेज के लिए आप सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को और ई एंटर करें तब भी हो जाएगा, देख सकते हैं सिलेक्ट किया और ई एंटर किया तब भी हो गया वापस अरेज। ई एंटर या ई स्पेस प्रेस करेंगे तब भी अरेज हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि आप अरेज करने के लिए रेक्टेंगल लेता हूँ, अरेज करने के लिए आप ई एंटर करें पहले, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें तो ये अरेज हो जाएगा। इसके अलावा अगर मल्टी ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए आपने क्या करना है, रेक्टेंगल लेता हूँ मैं, सर्कल लेता हूँ,
मल्टी ऑब्जेक्ट के लिए आपने क्या करना है, ई एंटर करेंगे और सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें तो अरेज हो जाएगा। तो ये था जी अरेज कमांड का फंक्शन और अरेज कमांड आप कैसे यूज़ करते हैं। अरेज के बाद नेक्स्ट जो कमांड है ट्रिम है, एक्सटेंड है, मूव है और कॉपी, मिरर, एक सारी कमांड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इनका फंक्शन क्या होता है, एक्सक्लूड का फंक्शन क्या होता है और ऑफसेट का फंक्शन क्या होता है। उसके बाद आप इंशाल्लाह प्रैक्टिकली वर्क की तरफ आ जाएंगे और हमने फिर प्रैक्टिकली काम करना है, कुछ मैकेनिकल्स, कुछ सेवल्स की ड्राइंग्स भी ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए आपको ये जितने भी कमांड्स हम पढ़ चुके हैं इन सबको पास लिखें और इन सब के ऊपर आप डिस्कस करें, आप काम करें। काम करने के बाद अगर कोई मसला है तो आप हमारे से डिस्कस कर सकते हैं, हमारे साइट्स के ऊपर आप लिंक कर सकते हैं या हमारे ईमेल के ऊपर मेल कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस पर प्रैक्टिस करनी मस्ट है। आपने कम से कम हर रोज़ आप तकरीबन 1 घंटा प्रैक्टिस किया करें ताकि आप अच्छी तरह से इस पर प्रोफेशनली काम कर सकें, क्योंकि मैं बार बार आपको वो कमांड्स रिपीट नहीं करवाऊंगा जो हम कर चुके हैं, क्योंकि वो आपको कमांड्स आनी चाहिए। जब हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो आपको उन कमांड्स का पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।